मध्यम निकाय के चौथे सूत्र भय भैरव सूत्र में भगवान बुद्ध और एक ब्राह्मण के बीच का संवाद है, जिसमें हम जानेंगे कि जब हमारे तथागत जब बोधिसत्व थे, अभी तक बोधि प्राप्त कर बुद्ध नहीं बने थे, तब वह कैसे अकेले जंगल में रहते थे और डर को कैसे दूर करते थे। एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध से मिलने आता है और कहता है कि ऐसे डरावने जंगल में सुनी कुटिया में रहना कठिन है, ऐसे एकांत में रहना बहुत दुष्कर है। जिस भिक्षु का मन एकाग्रित नहीं हो, वैसे भिक्षु के मन को यह वन लूट लेता होगा, यह वन मानो हर लेता होगा, डरा देता होगा। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा ही है। संबोधि प्राप्ति के पहले, बुद्ध न होने के पहले, जब मैं बोधिसत्व था तो मुझे भी ऐसा ही होता था कि ऐसे एकांत जंगल में रहना कठिन है। तब बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ऐसे सोचते थे, जो कोई अपने शरीर से बुरे कर्म करता है, हत्या करता है, किसी और को हानि पहुंचाता है, वैसे सन्यासी जंगल और सुनी कुटिया में रहते हैं तो उनके पापी शारीरिक कर्म के दोष के कारण भय भैरव उनके पास आता होगा, उनको डर लगता होगा। लेकिन मैं तो पापी कायिक कर्म करते हुए सुने जंगल में नहीं रहता हूँ, मेरा शारीरिक कर्म परिशुद्ध है। ऐसे खुद के शुद्ध शारीरिक कर्म के भाव को देखकर मुझे सुनसान जंगल में रहने का और भी अधिक उत्साह होता। ऐसे ही हमारे बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम अपने शुद्ध गुण और पुण्य कर्म के बारे में सोचते कि मैं ना तो दूसरे सन्यासी की तरह बुरे वाचिक कर्म करता हूँ, अशुद्ध आजीविका से अपना जीवन जीता हूँ, मुझे डर क्यों सताएगा। बुरे वाचिक कर्म यानी कि किसी को भी अपनी वाणी से दुख पहुँचाना, बुरे शब्द बोलना, डांटना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करके दूसरों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाना। अशुद्ध आजीविका यानी कि किसी दूसरे लोगों को हानि हो, समस्या हो, किसी प्राणी को मार के उसके मांस को बेचकर या ऐसे ही किसी भी प्रकार से अपना जीवन व्यापन करने के लिए बुरे कर्म करना। आगे बोधिसत्व सोचते थे कि जो काम वासना से घिरे हुए हैं, हिंसा युक्त चित्त वाले हैं, मन में खराब भावनाओं को रखते हैं, आलसी है, जिसका मन शांत नहीं होता है, पापी बुद्धि वाले हैं, अपना अच्छा चाहने वाले और दूसरों की निंदा करने वाले हो, खुद की प्रशंसा और सत्कार चाहने वाले हो, वैसे लोगों को भय भैरव सताता है, ऐसे एकांत जंगल और सुनी कुटिया में डर लगता है। फिर बोधिसत्व अपने भीतर देखते हैं, अपने गुण को देखते हैं कि मेरे भीतर तो ऐसा कोई भी गुण या ऐसा संस्कार नहीं है, या ऐसे स्वभाव वाला मैं नहीं हूँ। ऐसे सोचते हुए उन्हें सुनसान जंगल में रहने का और भी उत्साह होता। आज के समय में भी ऐसी बातें प्रचलित है कि रात्रि में इस समय कोई व्यक्ति इस जगह जाए तो वह डर जाएगा, या उसे कुछ डरावना अनुभव होगा, या भूत प्रेत दिखाई देगा। वैसे ही उस समय भी ऐसी बातें प्रचलित थी कि चतुर्दशी यानी कि अमावस्या के पहले आने वाली रात, पूर्णिमा और अष्टमी की रातों में कोई व्यक्ति इस चैत्य में जाए तो वह भय भैरव देख ले। चैत्य यानी कि वह स्थान जब उस समय वहाँ देवता या भूत प्रेत की पूजा होती थी। तो बोधिसत्व सिद्धार्थ सामने से जाकर वैसे घोर अंधकार रात्रि में वैसे आराम चैत्य, वन चैत्य, वृक्ष चैत्य में रहते, ये सोचते हुए कि शायद कुछ देखो, कोई भय भैरव देख लूँ। तब वैसे रोंगटे खड़े कर देने वाली रात्रि में कभी कोई हिरन भागते हुए उनके पास से निकलता, या मोर का मोर पिंच भी नीचे गिरता, या हल्की हल्की हवा नीचे गिरे पत्तों को फरफराती, तब बोधिसत्व को होता कि शायद कोई भय भैरव मेरी ओर आ रहा है। ऐसे वह खुद डर का सामना करने के लिए, डर को दूर करने के लिए रोंगटे खड़े कर दे। वैसे जंगल में अकेले रहते थे, यह सोचकर ही हमें डर लग जाए। हम तो हमारे घर में भी अकेले रात गुजारने में डर जाते हैं, शांत रात्रि में छोटी सी आवाज़ से भी घबरा जाते हैं। सोचो कि बोधिसत्व सिद्धार्थ का मन कितना दृढ़ संकल्पी और बलवान होगा,
जो अकेले ऐसी रात्रियों में जंगल में रहते थे, शमशान घाट में भी रहते थे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जिस अवस्था में रहते हुए मुझे डर उत्पन्न होगा, तो मैं उसी अवस्था में उस डर को दूर करूंगा। जैसे कि अकेले जंगल में चलते हुए अचानक डर उत्पन्न होने लगे, तो वह न तो खड़े रह जाते, न भागने लगते, न बैठ जाते, वो वैसे ही चलते रहते जब तक कि डर दूर न हो जाए। अगर लेटे होने के समय डर उत्पन्न होता तो वो बैठ खड़े न होते, ना ही करवट बदलते, लेटे रहकर ही डर को दूर करते, ऐसे अपने मनोबल को और बलवान बनाते। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं कि कैसे वह प्रथम ध्यान समाधि से चतुर्थ ध्यान में समाधिष्ट होते हैं और आगे तीन प्रकार की विद्या को प्राप्त करते हैं। और अंत में तथागत कहते हैं कि ब्राह्मण, शायद तुम्हारे मन में ऐसा हो कि आज भी श्रमण गौतम जंगल में संसारी बस्ती से दूर सुनी कुटिया में रहते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी राग, द्वेष और मोह है। लेकिन ऐसा नहीं है ब्राह्मण, मैं दो बातों के लिए अरण्य में वास करता हूँ। एक, इसी शरीर में अपने सुख विहार के ख्याल से, और दूसरा, आने वाले लोगों पर अनुकंपा की वजह से, क्योंकि वह भी मेरा अनुगमन करके मुझ जैसे जंगल में सुनी कुटिया में रहकर सुफल भागी होंगे, अच्छा सुखद फल प्राप्त करें। बाद में वह ब्राह्मण गौतम बुद्ध की शरण स्वीकार कर उपासक बनता है। इस सूत्र से सीखने जैसी कुछ बातें जिससे हम डर को दूर कर सकते हैं। पहली बात यह है कि हमें हमारे कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म को अच्छा बनाना चाहिए। इन शॉर्ट, जो पंचशील दिया हुआ है भगवान बुद्ध द्वारा, उसका पालन करना चाहिए। किसी भी प्राणी की हत्या न करना, किसी के भी चीज की चोरी न करना, नशा न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मिथ्या वचन न बोलना, झूठ और चुगली न करना, कठोर वाणी न बोलना। जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं कि जिसके मन में लोभ है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आलसी है, हिंसा युक्त चित्त वाला है, खुद की प्रशंसा और दूसरों की निंदा करता है, जिसका मन राग, द्वेष और मोह से भरा हुआ है, वैसे व्यक्ति को भय जरूर सताता है, डर जरूर लगता है, क्योंकि यह सभी बुरे शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्म हमारे मन को कमजोर बनाते हैं, हमारे मन का वीर्य कम करते हैं। वीर्य यानी कि मनोबल, मानसिक शक्ति किसी संकल्प को पूर्ण करने की। यह सब बुरे कर्म हमें भीतर से खोखला बना देते हैं, हमारे चित्त को कमजोर बना देते हैं, जिससे हम डर का सामना करने के लिए मनोबल या वीर्य उत्पन्न नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि बुरे शारीरिक कर्म, मानसिक या वाचिक कर्म सतत व्याकुल और अशांत रहने वाला चित्त का निर्माण करते हैं, जिसके कारण हम हमारे चित्त को डर के समय एकाग्रित और शांत नहीं रख पाते, और भी ज़्यादा ओवरथिंकिंग एंड ओवर इमेजिनेशन के कारण डर को और ज़्यादा बना देते हैं। डर का कोई कारण न होते हुए भी छोटी सी आवाज़, छोटी सी सरसराहट की आवाज़ हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। हम उस आवाज़ या सरसराहट के पीछे का कारण जानने के बजाय खुद इमेजिन कर करके डर को और बढ़ा देते हैं। तो ऐसे डर को दूर करने के लिए शांत, एकाग्रित, वीर्यवान मन का होना आवश्यक है। ऐसे गुणों को मन में बढ़ाने के लिए हमें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तौर से अच्छे कर्म करने ही होंगे। दूसरा कार्य यह कर सकते हैं कि जैसे कि बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम करते थे, जिस भी किसी अवस्था में डर लगे तब उसी अवस्था में रहे और डर को दूर करें। जैसे कि सोते समय एक तरफ करवट लेने पर ऐसा लगे कि पीछे कोई है और डर लगने लगे, तो उसी अवस्था में रहे। समय बीतने के साथ खुद पता चल जाएगा कि यह तो सिर्फ मन का भ्रम था, कोई पीछे नहीं है। लेकिन यह करने के लिए बहुत प्रबल वीर्य या मानसिक शक्ति चाहिए, और बात वहीं पे आकर अटकती है। वीर्य को, मानसिक शक्ति को
और स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे गुण विकसित करने ही होंगे जो चित्त को स्ट्रांग बनाते हो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स। दिस इज बुद्धा द वे ऑफ लिविंग।